दोस्तों, क्रिकेट का खेल भारत में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें एक अच्छी पारी खिलाड़ी को रातों रात स्टार बना देती है और क्रिकेट प्रेमी उस खिलाड़ी को पलकों पर बैठा लेते हैं। लोगों की उम्मीदें उस खिलाड़ी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि सफलता के शिखर पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उस शिखर पे टिके रहना। सफलता के शिखर पर पहुंचकर वहां लंबे समय तक बने रहकर अपने चाहने वालों की ख्वाहिशों को पूरा करते रहना सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल दिया और अपने साथ साथ अपने घर वालों और पूरे भारत का नाम भी रोशन किया। आज हम आपको ऐसे ही कुछ भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा उन चंद क्रिकेटर्स में शुमार हैं जिन्होंने काफी संघर्ष के बाद ये मुकाम पाया है। रविंद्र जडेजा क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी एक खास जगह रखते हैं। भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई तक ले जाने वाले रविंद्र जडेजा का पूरा नाम रविचंद्रन अनिरुद्ध सिंह जडेजा है। उनके पिता अनिरुद्ध एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करते थे। वो जडेजा को एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन जडेजा का झुकाव क्रिकेट की तरफ था। 2002 में पहली बार जडेजा सौराष्ट्र की अंडर 14 टीम से महाराष्ट्र के खिलाफ खेले। यहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और 4 विकेट झटके। जडेजा के बेहतरीन खेल को देखते हुए सौराष्ट्र की अंडर 19 टीम में उन्हें जगह मिले और इसी फॉर्मेट में उन्होंने अपने करियर का पहला शतक लगाया था। उनकी मां लता भी चाहती थी कि उनका बेटा क्रिकेटर बने। दिसंबर 2005 में उनका अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चुनाव हुआ। अपने चयन को सही साबित करते हुए जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 और पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट लेकर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया की तरफ से वनडे और टी20 खेलने का मौका मिला। 2012 में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू भी किया। जडेजा बहुत तेजी से अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे। 2012 में महज 23 साल की उम्र में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 ट्रिपल सेंचुरीज लगाई। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय और दुनिया के 8वें क्रिकेटर बन गए। आज जडेजा जो कुछ भी हैं, वो अपने कठिन परिश्रम और मेहनत के दम पर हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के एक बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के। जसप्रीत के नाम से आप सब भलीभांति परिचित होंगे। बुमराह आज भारत के सबसे सफल क्रिकेटर्स में से एक हैं, लेकिन इनकी सफलता की कहानी संघर्ष से भरी है। बुमराह के पास कभी जूते तक खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज अपने परिवार को वो एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज बुमराह अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक इंटरव्यू में बुमराह ने अपनी लाइफ के स्ट्रगल को लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि मात्र 5 साल की उम्र में सिर से पिता का साया हट जाने के बाद उन्हें कितनी परेशानी हुई थी। उनकी माँ और बड़ी बहन ने उन्हें पालकर बड़ा किया। उन्होंने बताया कि जब वो क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो उनके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते थे और एक जोड़ी कपड़े थे। उनके पास दूसरा सेट खरीदने के पैसे नहीं थे। बुमराह अपने संघर्ष के समय को याद करते हुए बताते हैं कि उस समय वो एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। सब सोए रहते थे, बुमराह प्रैक्टिस पे निकल जाते थे और उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। कभी पैसों के लिए मोहताज जसप्रीत आज करोड़ों कमा रहे हैं और अपने परिवार के साथ बहुत आराम से रह रहे हैं। दोस्तों, मोहम्मद सिराज का नाम तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करके सबके दिलों पर राज कर लिया। आपको बता दें कि सिराज के पिता एक ऑटो ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने सिराज को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सिराज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि गेंदबाजी करने के लिए जो जूते इस्तेमाल किए जाते हैं वो काफी महंगे मिलते हैं, पर उनके पिता ने उन्हें हमेशा वो लेकर दिया जो उन्होंने उनसे मांगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आईपीएल के 10वें सीजन के नीलामी हुए तो मोहम्मद सिराज को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2.6 करोड़ रुपए में अपनी टीम में जगह दी। इसके बाद मोहम्मद सिराज टीम इंडिया का हिस्सा भी बन गए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने हर उम्र के लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ उसी खिलाड़ी का नाम रहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैप्टन कूल के नाम से पहचान बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के। यूं तो धोनी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रांची के इस बल्लेबाज के जीवन की हर एक बात को फिल्म एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के जरिए दुनिया को दिखाया गया है। 2011 विश्व कप विजेता कप्तान का जीवन आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिता एक पिच क्यूरेटर थे जो चाहते थे कि उनका बेटा टिकट कलेक्टर बने। धोनी ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए रेलवे में भी काम किया है, लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपने सपने को पूरा किया, जिसके बाद वो भारत के सबसे सफल कप्तान और बल्लेबाज बने। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के न्यू यॉर्कर किंग टी नटराजन के बारे में। आप सब जानते होंगे, नटराजन ने आईपीएल से डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन से सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। लेकिन आईपीएल से पहले नटराजन का बचपन काफी गरीबी में बीता। बता दें, नटराजन के परिवार में कुल 5 बच्चे थे, जिन्हें ठीक से पालने के लिए उनके पिता के पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन जब से नटराजन ने आईपीएल में डेब्यू किया, तब से उनकी किस्मत ही बदल गई। नटराजन के टैलेंट को सबसे पहले किंग्स इलेवन पंजाब की मैनेजमेंट ने पहचाना और इन्हें 2017 की नीलामी में सीधे 3 करोड़ में खरीद कर सभी को हैरान कर दिया। 2018 में नटराजन को हैदराबाद ने 4 करोड़ में खरीद लिया। तब से ये सालाना 4 करोड़ की फी पे हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं पांड्या ब्रदर्स कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के। दोस्तों आज ये दोनों ही क्रिकेट स्टार्स हैं। इनका लाइफ स्टाइल, रहन सहन और शौक किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है, पर आज करोड़ों में खेलने वाले ये दोनों भाई कभी गरीबी भरी जिंदगी जीते थे। हार्दिक ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक समय था जब उनके पास मैगी खाने के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आज पांड्या ब्रदर्स उस मुकाम पर हैं कि पैसा उनके लिए हाथ के मैल जैसा है। आज पांड्या परिवार की हैसियत का अंदाजा हार्दिक पांड्या के हाथ में मौजूद 1.01 करोड़ रुपए की रोलेक्स की हीरे लगी हुई घड़ी से लगाया जा सकता है। एक से बढ़कर एक महंगे कपड़ों, घड़ियों और गाड़ियों के शौकीन पांड्या ब्रदर्स ने इस मुकाम तक आने के लिए काफी मेहनत की है। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो अपने प्रदर्शन की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत के। आज ऋषभ पंत भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं। इनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर हर गेंदबाज दम तोड़ने लगता है। ऋषभ पंत ने यहां तक का सफर तय करने के लिए काफी मेहनत की है। ऋषभ पंत एक समय ट्रेनिंग के लिए रोड़की से दिल्ली आया करते थे। तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हॉस्टल में ठहर जाएं या फिर रूम किराए पे ले लें। इस वजह से ये रात गुरुद्वारे में बिताया करते थे, वहीं लंगर खाकर प्रैक्टिस करने चले जाया करते थे। ऐसा महीनों तक चलता रहा, लेकिन आज ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल हैं और आज वो अपनी जिंदगी को एक स्टार की तरह जी रहे हैं। दोस्तों अब जिस खिलाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम अर्शदीप सिंह है। दोस्तों आपको बता दें कि अर्शदीप के पिता CISF में थे। बचपन से ही अर्शदीप को क्रिकेट का काफी शौक था, इस पर उनके घर वालों ने भी उनका पूरा साथ दिया। अर्शदीप को पंजाब ने 2019 में महज 20 लाख रुपए में खरीदा था। इस होनहार खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से करोड़ों में बिके खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। अर्शदीप ने अपने पहले सीजन में 3 मैच खेलते हुए 3 विकेट झटके। 2020 सीजन में उन्हें 8 मैचों में मौका दिया गया जिसमें उन्होंने 9 विकेट चटकाए। 2021 में उन्होंने 12 मैच खेले और 18 विकेट झटके। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था जब उन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया तो ये देखकर उनकी माँ और उनका भाई आकाशदीप सिंह काफी भावुक हो गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी भी अचानक तब सुर्खियों में आए थे जब 2020 की आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। आज भले ही यशस्वी करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लेकिन 2020 से पहले तक इन्होंने गुजारा करने के लिए पानीपुरी तक बेची है और रात में मुंबई की सड़कों पर रात बिताई है। सड़कों पर अपनी जिंदगी बिताते हुए यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट के गुण सीखने शुरू किए और फिर अपने टैलेंट के बल पे अंडर 19 टीम में अपनी जगह बनाई और फिर वहां से लगातार अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। आज यशस्वी जायसवाल सिर्फ आईपीएल से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चेतन सकारिया के। चेतन सकारिया भी उन गेंदबाजों में शामिल हैं जिनको राजस्थान ने स्टार बना दिया। दरअसल चेतन सकारिया एक समय अपना परिवार चलाने के लिए और अपनी क्रिकेट की फीस देने के लिए अपने ही एक चाचा की दुकान में मजदूरी किया करते थे। चेतन सकारिया के पिता ऑटो चलाकर गुजारा किया करते थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने ऑटो चलाने का काम छोड़ दिया और 2021 में कोविड-19 की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी सकारिया पर आ गई। इन सबके बीच चेतन सकारिया ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा और इसका फायदा उन्हें 2021 आईपीएल में मिला जब इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 20 लाख में खरीदा और 2022 आईपीएल में चेतन सकारिया को 4 करोड़ 20 लाख में दिल्ली ने भी खरीदा है। दोस्तों किसी समय में 100 से 200 रुपए की मजदूरी करने वाले चेतन सकारिया आज करोड़ों में खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ वो सेलिब्रिटीज जिनकी आईपीएल ने जिंदगी बदल दी। उम्मीद करते हैं इन हरफन मौला खिलाड़ियों पर आज की हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।